नमस्कार मित्रों, मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। आज हम इस लेक्चर में नाई कुमार चरिव की द्वितीय संधि पर विचार करेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व संधि में कहा था, जयेंद्र विवाह नाम की जो पहली संधि थी उसमें जयेंद्र का विवाह होता है और किस तरह से वहाँ सारी घटनाक्रम होता है। पहली संधि में पुष्पदंत ने मंगलाचरण किया, उसके बाद उन्होंने भरत नन्न की प्रशंसा की, उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उन्होंने ये जो काव्य रचना प्रारंभ की और बाद में वो जो नन्न जीवंधर है वो राजा जीवंधर वो पृथ्वी देवी से विवाह करता है, गिरनार की जो राजकुमारी थी उससे विवाह कर लेता है। और द्वितीय संधि में इसके आगे का घटनाक्रम है, जब पृथ्वी देवी का विवाह हो जाता है तो द्वितीय संधि में राजा है उसकी सबसे पहले उसमें उद्यान क्रीड़ा का वर्णन है, उद्यान क्रीड़ा करने जाता है तो उसकी अनेक कन्याओं को साथ लेके जाता है और तत्पश्चात उनकी जो एक रानी थी विशाल नेत्रा वो भी उनसे मिलने के लिए उद्यान में जाती है। तो पृथ्वी देवी जो थी वो अपनी सौतन को राजा के पास जाता हुआ देखती है, उसका पूरा एकदम राजकीय सम्मान के साथ और उस लावा लश्कर के साथ वो जाती है। तो ये देख करके पृथ्वी देवी को ईर्ष्या होती है और ईर्ष्यावश वो अपने मन को शांत करने के लिए जिन मंदिर में जाती है, जिन भगवान के दर्शन करती है और वहां एक ऋषि के मुनि के दर्शन करती है, मुनि के द्वारा उसको भविष्यवाणी होती है पुत्र जन्म की और वो अपने घर आती है। सुहृद एकदम अच्छे मन से वो अपने घर आती है। जब राजा को उसका उसकी याद आती है तो वो उसके पास आते हैं और वो जो रानी पृथ्वी देवी थी वो सारा घटनाक्रम बताती है और उसको स्वप्न आता है, कुछ स्वप्न दर्शन होता है और स्वप्न दर्शन का फल पूछने के लिए राजा जयेंद्र और पृथ्वी देवी वापस जिन मंदिर जाते हैं वहां सारा वृतांत सुन करके और वो वापस प्रसन्न होकर के घर आते हैं। पुत्र का जन्म होता है और वो जन्म होने के बाद में वो जिन भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और वो जो पुत्र था वो एक बावड़ी में एक वापी में गिर जाता है और उस समय जो पृथ्वी देवी थी वो बहुत ही उद्विग्न हो जाती है, परेशान हो जाती है, विलाप करती है और उसके बाद वो जो पुत्र था वो जो उस वापी में अंदर में एक नाग था उस नाग ने उस पुत्र को रखा, उसको देखा, उसको खूब अच्छे से रखा और सारा उसको अंदर पूरा अपने जो उसका साम्राज्य था नाग का वो सब उसको दर्शन करवाए और खूब अच्छे से उसको अपने पुत्र मान करके उसको रख करके और उसको जब राजा ने वापस देने की प्रार्थना की तो वो उस नाग ने बहुत ही समृद्धि पूर्वक बहुत विशाल उसको उपहार देते हुए उसको विदा करता है और राजा को सौंप देता है। तो ये सारा जो घटनाक्रम है वो और अंत में लास्ट में ये क्या होता है, राजा उसको ले जाता है और कुछ समय बीतने के बाद वो राजकुमार को उस तब से उसका जब वो नाग उसको राजा को वापस देता है तो कुछ लोगों ने देवताओं ने उसको नाग कुमार भी कहा और उस राजा के पुत्र को, तो तब से उसका नाग कुमार नाम पड़ गया और उस नाग कुमार को कुछ समय बीत जाने के बाद उस नाग के यहाँ पृथ्वी की जो बिल था कुक्षी थी उसमें उसको विद्या अध्ययन के लिए भेजते हैं। तो ये द्वितीय संधि जो है उसकी कथा वस्तु है। अब उसकी कथा वस्तु में सबसे पहले मैं थोड़े से इसमें दो तीन कड़वकों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो सबसे पहले राजा का जो है उद्यान क्रीड़ा का वर्णन है, उसमें कह रहे हैं परिणीवी शुद्ध सही कल कल हंस गाई वियसिय विड विनिहाहणो हणहो गयौ सने उरेण अन्ते उरेण सहु नर वै उज्जान हो। तो ये ध्रुवक है जैसा कि एक छंद है। तो उस कल हंस गामिनी शुद्ध सती पृथ्वी देवी को विवाह करने के बाद परिणीवी यानी विवाह करने के बाद शुद्ध सही उस शुद्ध सती जो थी कलहंस गई, कलहंस गति वाली,
कलहंस गामिनी वीय सीय विड विणी वी विणी हाण हो, और वो विवाह उससे करके उस नुपुर धारणी को विनय वीय सीय विड विणिहार्यो गयौ सने उरेण अन्ते उरेण सहु नर वै उज्जान हो। उस नुपुर धारणी को, उस रानी को अंतःपुर की ललनाओं सहित उद्या उस कलहंस गामिनी शुद्ध सती पृथ्वी देवी को विवाह कर, उसको विवाह करके राजमहल में छोड़ के वो जो राजा था वो नुपुर धारणी अंतःपुर की जो ललनाएं थी, जो कन्याएं थी, उनके सहित वो उद्यान को, उद्यान क्रीड़ा के लिए गया। जहां अब वो उद्यान कैसा था, लीला लसमय गल गामिनी ही आहरणई लय लय यई कामिनी ही, वो कैसा था, लीला पूर्वक अलसाती हुई गज गामिनी जो ललनाए थी उन कामिनियों ने क्या किया, आहरणई यानी आभरणों को धारण किया, लई यई कामिनी ही मतलब उन्होंने आभरणों आभूषणों को धारण किए और वो उद्यान की ओर चल दी, चलने लगी। तो उद्यान, उद्यान में उद्यान का किस तरह का वर्णन है, कुसुमावली परिमल परिमलिया सल्लिलहिंग कय कड़िय कड़िय मेहलिया। अब जो कुछ ललनाएं थी वे उद्यान के पुष्प पुंजों के पराग से लिप्त हो गई, यानी पुष्पों के पराग से वो लिप्त हो गई, और उन्होंने शल्य की पुष्प की मेखलाएं कटिभाग पर बांध ली, तो वो वहां उद्यान क्रीड़ाएं कर रही हैं ललनाएं, तो इस रूप में वो वहां जो प्रकृति है उसका आनंद ले रही हैं। और किसी ने तो क्या किया, एक कई अली केस हिंग निल्लकव्यु अन्नहि कमलोवरी दक्खिव्यु, और उसमें से जो एक थी उसने तो भौरे को अपने केसों में छिपा लिया। एक कई अली, अली यानी भौरा, केसहिं निल्लकव्यु, ये भी देसी शब्द है, छुपा लेने के अर्थ में आता है अन्नहि, और दूसरी जो सखी थी कमलोवरी दक्खिव्यु, और जो दूसरी सखी थी ना उसने क्या किया, कमल पर बैठे हुए भौरों को दिखलाया कि देखो ये भौरा बैठा हुआ है। जल विभमो एक निवई पिय, किसी ने जल का भ्रमण किया, जल की तरफ गई, अनेक कसना ही नियंती थी, और जो दूसरी थी तो अपनी ही नाभि के रंध्र की ओर वो दृष्टि लगा करके देखने लगी। अनेक कसना सना ही नियंती थी मतलब सनाभिक, नाभि की जो रंध्र होता है उसको देखते हुए थी यानी स्थिर हो गई। और अवरिंग गच्छन्तु हंसु भणिउ, और दूसरे से वो दूसरी सखी जो है वो एक अन्य सखी वो हंस की गति को देख करके क्या कह रही है, महु गई विलासु पई कयूं गुणी, यानी तुमने मेरी गति को कैसे छीन लिया, अर्थात हंस गामिनी तो मैं हूं। और अन्ने कौ मोर पिंछु धरियु, दूसरी ने मोर की पंख को धारण कर लिया। और इसके अलावा नम मयन बाण पत्तौ फुरियु, और जो दूसरी थी एक अन्य ने क्या किया, मानो मदन के बाण का पत्र स्फुरायमान हो उठा हो, क्योंकि जिसने मोर पंख को धारण किया तो ऐसा लग रहा था मानो कामदेव का बाण ही प्रकट हो गया है। और अनेक चवई लगे वी न मुह मायंद कुसुम मंजरी सु, और किसी ने क्या किया, यह सुख आम्र वृक्ष की पुष्प मंजरी लगकर भी मरा नहीं, अर्थात ये इस तरह से वहां की प्रकृति का वो कहती है कि ये जो सुख है वह आम्र की मंजरी लगने के बाद भी नहीं मरा। एक अन्य ने अपने मधुर शब्दों द्वारा कूकती हुई कोकिलों को लज्जित कर दिया कि उसकी जो ललना थी उसकी वाणी इतनी मधुर थी कि कोयल भी उसके सामने लज्जित हो गई। अन्य एक ने अपने नेत्र पक्ष्मों द्वारा ऐसा प्रसार किया कि मानो वह विशाल पक्ष्मों वाली उस स्थल का प्रमाण ही कह रही हो, यानी उस ललना की इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी, उस समय ये सौंदर्य का प्रतीक होती थी, तो
इस तरह से वो ललनाएं वहां उद्यान क्रीड़ा करने लगी। और इस प्रकार कहते हैं कि इस प्रकार जब शत्रुओं की राज्यश्री का अपहरण करने वाली जो पृथ्वी देवी थी वो जयेंद्र सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। अपहरण करने वाले पृथ्वीपाल जयेंद्र जो है इस तरह से वो सरोवर में क्रीड़ा कर रहे थे। तब नए कमल नाल सदृश कोमल भुजाओं वाली श्री वर्म की पुत्री रानी विशाल नेत्रा जो जयेंद्र की एक और रानी थी वो अपने प्रिय पति के पास जाने के लिए उद्यत होती है। तो किस तरह से वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसके पास वो उद्यान में जाने के लिए उद्यत होती है और वो पूरे उससे पृथ्वी देवी ने अनेक शोभा वाले मतलब हाथी घोड़े रथ पालकियां और पूरा एकदम छत्र वगैरह धारण करके वो उस राजा से मिलने के लिए उद्यान की ओर जाती है। तो उसको वो जो पृथ्वी देवी है वो उसको अपनी सखी को पूछती है कि ये सारा किसकी सवारी इधर आ रही है। तो उसकी सखी कहती है कि आपकी जो सौतन है विशाल नेत्रा वो राजा से मिलने के लिए उद्यान में जा रही है। तब ईर्ष्यावश पृथ्वी देवी जो है वो जिन मंदिर में जाती है और जिन मंदिर में जाके भगवान के जिन भगवान के दर्शन करती है। एक ऋषि से मुनि से वो वहां मिलती है और अपनी जो भी मन की बात है वो उसको बताती है। तो ये ईर्ष्यावश जाती है ना इनम सा भणंती, इस प्रकार वो जिन मंदिर में जाके वो कहती है खरम शीषण नीसंती और तीव्र श्वास लेती है। क्योंकि जब विद्वेष की भावना होती है जब द्वेष की भावना होती है तो ये स्थिति स्वाभाविक है। तो कवि पुष्पदंत ने भी पृथ्वी देवी का इस तरह से वर्णन किया है कसाय कसायं सहंती, कसायों को सहन करती हुई विषायम वहंती और विषाद को वहन करती हुई वो पृथ्वी देवी है। नहा लग कूड़ हयाणंग पीड़म और जिसको कहते हैं ना गजगामिनी धर्मवती जिनानम पसत्थम घर धत्तथु दुत्थम और इस तरह वो जिन मंदिर को गई जिसके जिन मंदिर की जो जो पताका है या जिन मंदिर का जो जो शिखर है वो आकाश को छू रहा था मतलब इतना विशाल था और जहां काम की जो पीड़ा का नाश होता था मतलब काम क्रोध मद लोभ उस जिन मंदिर में जाते ही समाप्त हो जाते थे ऐसे उस जिन मंदिर में गई। और कहती है वहां क्या हुआ गया पिलू लीला सुधम्मा सुशीला वो सुधर्मा वो सुशीला सब पृथ्वी देवी के विशेषण है। और ऋषिणम वरिष्ठो तहिं तिहे दिट्ठो, ऋषियों में वरिष्ठ अर्थात मुनियों में श्रेष्ठ तीर्थंकरों में श्रेष्ठ उन जिन भगवान को के दर्शन किए। जिनो देव देवो कया हिंद सेवो जिनो देव देवो यानी देवों के देव उन जिनिंद भगवान का उन्होंने दर्शन किया। असंगो अभंगो जहा जहा जाय लिंगो अर्थात असंग और नग्न अवस्था में जहां कहते हैं ना उसको जहा जाय लिंग यानी यथा जात लिंग यानी नग्न अवस्था में जो भगवान थे उनको देखा उन्होंने और वो कैसे थे दुहाणम विनाशो दुख के विनाश को करने वाले और सुहाणम निवासो और सुख को देने वाले सुख के निवास स्थान जहां सुख है और गुणाणम निशेनी गुणों की सीढ़ी निशेनी मतलब निशेनी सीढ़ी को बोलते हैं गुणों की निशेनी है और नया रूढ़ वाणी और नए के अनुसार अपनी वाणी है नए के ये एक सिद्धांत है नयवाद जहां एक एक कर को करके किसी सिद्धांत को किसी वस्तु को समझाया जाता है। और इसके अलावा और क्या विशेषता थी जिन भगवान की नया रूढ़ वाणी तमाणम पवीवो तवाणम पहावो इसके अलावा जो नयानुसार उपदेशक अंधकार में के प्रदीप अंधकार में जो तमाणम पवीवो तमाणम तम यानी अंधेरा उसके पवीयो यानी प्रदीपो प्रदीप हैं और तवाणम पहावो और तप के जो पर्वत हैं अर्थात इतना उच्च कोटि का उनका तप है
जो जो एक पर्वत के समान है, अगावो अपाहो सया शुद्ध भावो। और इसके अलावा भी अनेक ऐसे ऐसे भाव हैं जो अगम्य हैं, जो निष्पाप है, सदा शुद्ध भाव हैं, सदा अनंत ज्ञानी तथा यशोत्पत्ति की खान है। ऐसे हे देव, आपके सिर पर जल कल्लोलों से युक्त गंगा नहीं है। और कैसी कैसी विशेषताएं हैं वो यही बात कह रही है कि हे स्वामी, जलुल्लोल भंगा सिरे नत्थि गंगा। आपके मतलब शिव भगवान की जैसे, शंकर भगवान की जैसे भले ही आपके सिर पर गंगा नहीं है, लेकिन गले नत्थी सप्पो, गले में सर्प भी नहीं है। मणे नत्थी दप्पो, मन में किसी प्रकार का दर्प भाव भी नहीं है। करे नत्थी सूलम, ना आपने त्रिशूल अपने हाथ में धारण किया हुआ है। विशालम कवालम, ना आप विशाल कपालों को धारण, मुंड को धारण करने वाले हो। उरे मुंडमालम, आपके गले में भी मुंडमाल नहीं है। न सेलिंद बाला, न आपके पास सेलिंद, सैलेंद्र बाला यानी पार्वती, पार्वती को हिमालय पुत्री कहा जाता है इसलिए सैलेंद्र बाला का यहाँ प्रयोग हुआ है, वो भी नहीं है। अहाणम रुद्धो तुमम देव रुद्धो, और पाप के लिए आप क्या है, रुद्र देव है। अहाणम रुद्धो, अहाणम यानी पाप के लिए आप रुद्र हैं, और तुमम देव रुद्धो, तुम देव देव रुद्र के समान हो। इसी मोक्ष गामी तुमम मध्य स्वामी, इस तरह से आप मोक्ष के गामी हो, आप स्वामी हो। और फुडम देहि बोही विशुद्धा समाहिं, और आप मोक्ष के गामी ऋषि ही मेरे स्वामी हो, आप मुझे स्पष्ट बोध और विशुद्ध समाधि प्रदान कीजिए। इस तरह पृथ्वी देवी जाके ऐसे जिन भगवान को वो प्रार्थना करती है जिनके ये सारे विशेषण बताए गए हैं, और अंत में वो प्रार्थना करती हुई, वंदिवी परम जिणु कुडिलेन विणु मुद्धये तव श्री कंत हो। सरल स्वभाव वाली उस पृथ्वी देवी ने जिन भगवान को कुटिल भाव से रहित परम जिनेश्वर की वंदना की, और फिर उसके बाद में पयण पयणय वासवो पिहियासवो कवु प्रणामु भयवंत हो। और फिर बाद में पित्त एक जो मुनि थे वहां पे तपश्री के कांत व इंद्र द्वारा नमित चरण भगवान पिहिताश्व मुनि को उन्होंने प्रणाम किया, और उन मुनि को प्रणाम करके अपनी सारी बात उन मुनि को वो बताती हैं, और वो मुनि उनको ये कहते हैं कि आपके पुत्र जन्म होगा, उसकी भविष्यवाणी करते हैं, धर्म उपदेश देते हैं, और बड़ी तुष्ट मन से वो पृथ्वी देवी अपने घर को वापस आ जाती है। पृथ्वी देवी घर लौटती है और उधर उद्यान में राजा को पृथ्वी देवी का विचार आता है, और वो अपने समाचार जानकर राजा का गृह आगमन होता है। रानी का स्वप्न, रानी स्वप्न देखती है, और राजा और रानी पुनः जो है वो उस जिन मंदिर में जाते हैं और रानी इस स्वप्न का फल पूछते हैं। उसके बाद रानी का गर्भ धारण होता है, पुत्र का जन्म होता है, राजकुमार का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ये वही राजकुमार है जो बाद में जाकर के नाग कुमार बनते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि वो जब पुत्र जन्म होता है उसके बाद में उस पुत्र को लेकर के वो जिनेन्द्र स्तुति के लिए वहां पर मंदिर जाते हैं, और वहां खेलते हुए बालक जो है उस बावड़ी में गिर जाता है, और वहां गिरने के बाद उसकी जो माँ पृथ्वी देवी है वो घबरा जाती है, और घबरा करके वो विलाप करती है, और अंत में वो उससे अपने पुत्र को वहां वापस विलाप करते हुए मांगती है। तो वो नाग कुमार उस पुत्र को बहुत अच्छे से अंदर उसको रखता है, और उसको उसके माता पिता को वापस सौंपता है, लेकिन ये कहता है कि ये मेरा पुत्र भी है, उसको अपना पुत्र स्वीकार करता है और बहुत सारे उपहार देकर के उसको विदा करता है। इसीलिए देवताओं ने उसका नाम राजकुमार, नाय कुमार, नाग कुमार के नाम से उसको संबोधित करने लगे, और तब से उसका नाम नाग कुमार हो जाता है। वो नाग कुमार वही नाग कुमार बड़ा इस चरित्र जो काव्य है इसका नायक है। तो लास्ट में वो कहते हैं पिता ने कुमार को प्रजा बंधुर कहा, मतलब जननेन पया बंधुरु सुदीसु, यानी जनक के द्वारा प्रजा बंधुर के नाम से उसको पुकारा गया, जबकि देवेहिंग वो नाय कुमार शिशु,
देवताओं ने उसको राजकुमार उस शिशु को नागकुमार कहा। हक्कारियु विथारियु प्रणवु फणिना पड़िवन्नवु नियतनवु, और इस तरह से उसके प्रति अपना बहुत उस नाग ने उसके प्रति यानी उसके प्रति अपना बहुत स्नेह प्रकट किया और नागदेव ने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। उसने कुमार को मणिमय विचित्र आभूषण व देवांग वस्त्र प्रदान किए। गुनगुनाते हुए भौरों के समूह से युक्त मंदार पुष्पों की मालाएं तथा चंवर और छत्र आदि उसको भेंट किए। उससे सजा करके नाग चिन्हों की ध्वजाएं उसको भेंट की। नाग ने कुमार को पृथ्वी की कुक्षी में अपना घर भी दिखाया और कहो हे पुण्यवान, हे नागकुमार पुण्यवान के लिए क्या नहीं किया जाता। आप पुण्यवान हो इसलिए आपके लिए ये सब मैं कर रहा हूँ। और नागिनियों ने बालक को उठाया और जननी के समान अपना स्तन उसके मुख में दिया। किन्नरियों ने उसकी वंदना की और अर्चना की तथा उत्तम देवों की देवियों ने उससे संभाषण किया। स्नेह से अर्जित कुमार को पुनः पुनः निहार कर नाग ने उसे विदा कर दिया और पिता बालक को घर ले आया और वह माता के घर में रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उसी नाग के यहाँ उसको विद्या अध्ययन के लिए उस नाग कुमार को भेजा जाता है। और वो जो नाग कुमार है, जिस तरह से अर्जुन को विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के घर भेजा गया, के आश्रम भेजा गया, उसी प्रकार उस नाग कुमार को भी उस नाग के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया। तो ये इस तरह से ये द्वितीय संधि संपूर्ण होती है। और इस द्वितीय संधि में मुख्य रूप से नाग कुमार का जन्मोत्सव होता है और वो किस तरह से उसका नाम जो है वो नाग कुमार होता है, इसका वर्णन किया गया है। तो इसके बाद हम आगे तृतीय संधि पर विचार करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।